नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ रूबी रेगी और वक्त हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं। मतगणना की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई है और शुरुआती रुझानों में जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। फिलहाल मतगणना की प्रक्रिया जारी है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इसराइल के यहूदी समुदाय को त्योहार हनुक्का की बधाई दी, जहां यह त्योहार 8 दिनों तक चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी तुलना दिवाली से करते हुए कहा कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। विश्व आर्थिक मंच की 50वीं सालाना बैठक में इस बार देश की 100 कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के अलावा 2 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल व मनसुख मंडाविया भी हिस्सेदारी करेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि इसके अलावा पंजाब के सीएम अरमिंदर सिंह, सीएम कमलनाथ और मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के भी इस आर्थिक मंच पर अपने अपने राज्य के लिए निवेश जुटाने के माध्यम से बैठक में शिरकत करने की संभावना है। देश की आर्थिक ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ की बैठक आज होने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में होने वाली इस बैठक में अर्थव्यवस्था में रफ्तार डालने के उपायों पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को इन दिनों घेर रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनआरसी के प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन पर सार्वजनिक रूप से गृह मंत्री के रुख से विपरीत बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि सीएए और एनआरसी पर उनकी और मोदी की टिप्पणियां सभी के सामने हैं और लोग तय करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर से खबरें आ रही है, जिसका असर उत्तराखंड के कुमाऊं के पर्यटन सीजन पर पड़ने लगा है। आलम यह है कि अकेले नैनीताल में 70-80% होटलों की बुकिंग पर्यटकों ने कैंसिल कर दी है। गौरतलब है कि हर वर्ष 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक कुमाऊं के पर्यटन क्षेत्रों का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश समेत पूरे देश में प्याज की बढ़ी हुई कीमतों ने लोगों को परेशान कर रखा है। इसी बीच हिमाचल में प्याज की बढ़ी कीमतों में राहत देने के लिए 27 दिसंबर को प्रदेश में 300 क्विंटल सप्लाई पहुंच रही है। इस प्याज को सस्ते राशन की दुकानों में 65 रुपए प्रति किलो बेचा जाएगा। वहीं बताया जा रहा है कि इसके अलावा नए साल के पहले सप्ताह में और 900 क्विंटल की सप्लाई गोदामों में पहुंच जाएगी। हरियाणा सरकार ने फिल्म पॉलिसी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। इस बीच फिल्म निर्देशक सतीश कौशिक को सरकार बड़ा सम्मान देने जा रही है, जहां उन्हें हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बात पर अगली कैबिनेट में मोहर लग जाएगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को सीएए के खिलाफ जयपुर में एक विशाल शांति मार्च का नेतृत्व किया और केंद्र के इस अधिनियम को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि यह संविधान के खिलाफ है और लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएए और एनआरसी राजस्थान में लागू नहीं होने जा रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं। शुरुआती रुझानों में जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। इस बीच रांची में जेएमएम नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हेमंत सोरेन के समर्थन में पोस्टर लग गए हैं। इसमें लिखा है, झारखंड की पुकार है, गठबंधन की सरकार है, हेमंत अब की बार है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने झारखंड विधानसभा चुनाव के रुझानों और नतीजों पर खुशी जाहिर की है। तेजस्वी ने दावा किया कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और हेमंत सोरेन राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि नतीजे में महागठबंधन क्लीन स्वीप करने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के तहत दंतेवाड़ा में मतदान की प्रक्रिया 21 दिसंबर को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। अब सभी को 24 दिसंबर को परिणाम आने का इंतजार है। इसी बीच स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी करने का निर्णय बीजेपी ने लिया है। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा में स्ट्रांग रूम के बाहर टेंट लगाकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पहरेदारी कर रहे हैं। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एनआरसी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि एनआरसी पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अलग अलग बयान आ रहे हैं। राउत ने कहा कि डिटेंशन सेंटर पर झूठ कौन बोल रहा है, यह सामने आना चाहिए। रामलीला मैदान पर पीएम मोदी कुछ बोलते हैं,
लोकसभा में उनका गृह मंत्रालय कुछ और बोलता है। मिथिला की आन बान और शान का प्रतीक पाग, जिस पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है, उसे अब अंग्रेजी शब्दकोश में शामिल कर लिया गया है। मैकमिलन डिक्शनरी ने हाल ही में पाग शब्द को शामिल किया है। मैकमिलन डिक्शनरी में पाग को एक ऐसी टोपी के रूप में बताया गया है जिसे भारत के मिथिला क्षेत्र के लोग पहनते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर स्थित नगरनार स्टील प्लांट के विनिवेशीकरण के खबरों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यदि प्लांट नहीं चला सकती तो हमें सौंप दे, राज्य सरकार उसे चलाएगी। उन्होंने कहा कि प्लांट की स्थापना पर अब तक 20,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जा चुका है। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम के लिए मतगणना जारी है, जहां रुझानों में हेमंत सोरेन की अध्यक्षता वाली जेएमएम की अगुवाई में महागठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। इस बीच झारखंड में सरकार बनने की उम्मीद के बीच कांग्रेस के झारखंड प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा कि गठबंधन की ओर से जेएमएम चीफ हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री पद के लिए प्रत्याशी होंगे। नागरिकता कानून के समर्थन में बीजेपी आज कोलकाता में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में अभिनंदन यात्रा निकालने जा रही है, जिसमें प्रदेश पार्टी के नेतागण भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के लोगों को नागरिकता संशोधन कानून से अवगत कराने के लिए प्रदेश भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने इस कानून के समर्थन में यात्रा निकाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने का निर्णय किया है। जोधपुर के सांसद एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कल जोधपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। शेखावत ने मारवाड़ राजपूत सभा भवन में समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया और जोधपुर प्रवास के दौरान निवास पर आमजन से मुलाकात की। झारखंड विधानसभा चुनाव के रुझानों के मुताबिक राज्य में बीजेपी की सत्ता जाती दिख रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रुझानों पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम जीतेंगे और राज्य में हमारी ही सरकार बनेगी। रघुवर दास ने कहा कि नतीजे आने के बाद ही कुछ बोला जा सकता है। चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो ने नए साल की शुरुआत में सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2020 में अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन पेश करने वाली है। आपको बता दें कि वीवो ने इस इवेंट के लिए मीडिया इनवाइट्स भी भेजना शुरू कर दिया है। तो यह थी अब तक की फटाफट खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप भी रह सके देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट।